नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 में हुए भारत और बांग्लादेश के मैच के बारे में। इस मैच में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आप भारतीय टीम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 256 रन बनाए। बांग्लादेश के बल्लेबाज लिंटन दास ने सर्वाधिक 66 रन बनाए और भारत को 257 रन बनाने का लक्ष्य मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम की ओपनर जोड़ी रोहित शर्मा और सुमन गिल ने 88 रन की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप पारी खेली। दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा अपने अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर थे, तभी छक्का मारने के चक्कर में वह बाउंड्री लाइन पर आउट हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि सुमन गिल ने 53 रन बनाए। दोस्तों, आपको बता दें कि शायेश अय्यर ने 25 गेंदों में 19 रन बनाए। इसके बाद क्रिकेट के बेताज बादशाह विराट कोहली मैदान पर आए और उन्हें 2 लगातार फ्री हिट मिली, जिस पर उन्होंने 1 बॉल पर चौका और 2 बॉल पर छक्का मारा। दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली ने 27वें ओवर में सिंगल लेकर अपना 69वां अर्धशतक लगाया। वह इस वर्ल्ड कप में उनका 3रा और ओवरऑल वर्ल्ड कप में 9वां अर्धशतक था। और KL राहुल 34 रन बनाकर नाबाद रहे। आपको बता दें कि विराट कोहली ने शानदार शतकीय पारी खेली, वह 97 गेंदों में 103 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम नागिन डांस करने के लिए फेमस है, लेकिन इस बार विराट कोहली ने उन्हें नागिन डांस करने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने वर्ल्ड कप 2023 में जीत का चौका लगाया है। भारत ने लगातार 4थी जीत दर्ज की है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।